नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा एटॉमिक वॉलेट की न्यू हैक ट्रिक, जिससे सभी अकाउंट में आपको 15 AWC मिल जाएंगे। नेक्स्ट बिल्कुल बायपास हैक ट्रिक बताऊंगा एक ही डिवाइस की, प्लस बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। वीडियो में लास्ट तक बन रहना, क्योंकि भाई आप यदि कोई पार्ट मिस कर दिया तो भाई आप मेन चीज़ मिस कर दो, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का आइकन दिखा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे प्रॉफिट होगा। इसमें कोई भी लूट वीडियो डालूँ तो सबसे नोटिफिकेशन पहुँचे। मैं 5-10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। 5-10 सेकंड क्यों वेट कर रहा हूँ? जैसा पता है जो भी लूट आती है सबसे पहले हमारे चैनल पर आती है, जो कोई दे सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि सब्सक्राइब नहीं करा गए तो आपका लॉस होने वाला है। और यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने क्या करना पड़ेगा? लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन, और कैन सर्च LOOTLOOT नहीं है, LOOTMO नहीं है। फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से ज्वाइन ओरिजिनल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपका बहुत रैपिड हो रहा होगा। बहुत रैपिड क्यों हो रहा होगा? जैसे पता है जो भी लूट आते हैं, कोई लूट के अपडेट आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम में बताया था। देखो कितने 3 बिगेस्ट प्रूफ दिए थे, किसी ने 18,000, किसी ने 22,000 लूट ली। ठीक है, और तो मैं बहुत सारे प्रूफ पढ़े, लेकिन मैंने बिगेस्ट प्रूफ दिए बस 3। और तो मैंने पहले ही बहुत सारे प्रूफ दे दिए थे 20-30। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है लूटा। ठीक है, अब पहले उससे लूट ट्रिक न्यू है ट्रिक बताने से पहले मैं आपको 2 अपडेट देना चाहता हूँ AWC का। ठीक है, सबसे पहला तो जैसे आपको पता है मैंने ये वाली लूट डाली थी, मैंने 1 मंथ पहले AWC की न्यू ट्रिक डाली थी। ठीक है, ये ट्रिक मैंने डाली थी जून में, 10 जून डाली थी, और किसी का ओनली 10-20% लोगों का पेमेंट आया है। ठीक है, मतलब लास्ट 30% लोगों का आया, बाकी का पेमेंट नहीं आया। ठीक है, ऑलरेडी मुझे पता है, मैंने खुद ने बनाए थे 18 अकाउंट, 18 अकाउंट में से मेरे आए ओनली 2 अकाउंट में। आप समझ सकते हो 2 अकाउंट में आए, किसी के तो आए नहीं है, किसी के आ गए, किसी के नहीं आएंगे, या किसी के कब आएंगे मैं आपको बता दूंगा, सब बता दूंगा इस वीडियो में। अब जैसे जिसने 10 जून का अकाउंट बनाया था ना, 10 जून है, 10-20 जून के बाद है, 20 जून से पहले, तो उनके कब AWC आएंगे? उनके AWC आने के चांस है 90%, वो भी नेक्स्ट मंथ के। मैं 90% चांस कैसे बोल रहा हूँ? जैसे पता है भाई मई में, मई वाले अकाउंट में किसी के नहीं आए थे, तो उनके भाई जुलाई में आ गए, मतलब 2 मंथ बाद आ गए। ठीक है, इसलिए भाई आप वेट कर लो। प्लीज़ कोई कमेंट करके मत आना कि मेरे AWC नहीं आए। भाई मुझे खुद को पता है कि आपके AWC नहीं आए, भाई मुझे खुद मतलब बहुत सारे मैसेज कर दिया, क्योंकि 30% के AWC आए जून के, लेकिन बाकी AWC नहीं है बाकी जनों के। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा फुल डिटेल्स, आप फुली एक्ट्रिक बताऊंगा, प्लस कंप्लेन वालों को सॉल्यूशन बता दूंगा। भाई कंप्लेन जो करते हैं उनका सॉल्यूशन एक चीज, मेरे हिसाब से ये आइडिया समझ में आ रहा है, जो कंप्लेन करता दिखे ना आपको, वहां पे साथ में आप जाओ उसको रिपोर्ट मारो। रिपोर्ट मारने के बाद उसके आए उसको मतलब मैसेज करो, जो समझ गए ना क्या मैसेज करना है वो ही मैसेज करना है। ठीक है, बस ये सॉल्यूशन है मेरे साथ। और आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट करके क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं जो कंप्लेन करते हैं भाई, क्योंकि उनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ना खुद अर्न करते हैं ना दूसरों का अर्न करने देते। भाई कंप्लेन करेंगे नहीं तो कंपनी को पता कैसे चलेगा? भाई जितने भी वीडियो डाले सब में कंप्लेन करिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब भी किसी में पेमेंट आता है। ठीक है, वैसे मैं रुकूंगा नहीं, मैं वीडियो डालता रहूंगा भाई, क्योंकि आपके प्रॉफिट के लिए वीडियो डालनी है मुझे। ठीक है, अब बताता हूँ न्यू हैक ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आप वीडियो में बहना। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना वीडियो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक सारी वह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आपके पास अकाउंट है एटॉमिक वॉलेट का, पहले से अकाउंट है, मेन अकाउंट है, तो ठीक है। यदि आपके पास एटॉमिक अकाउंट का मेन अकाउंट नहीं है या कोई APK नहीं है, तो सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है इंडिया और 4-5 कंट्री में ये बैन हो गया है। किस वजह से? ट्रिक की वजह से, क्योंकि भाई बहुत जो ने कंप्लेन कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक का आपके पास APK नहीं है, तो इसकी लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेन चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वॉलेट की APK मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वहाँ पर जाके डाउन करें, डाउन करने के बाद इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद सपोज करो आपका मेन अकाउंट ये है, इसमें AWC आए तो पहले मुझे ट्रांसफर कर दें, तो अपने हूं में ट्रांसफर कर लो। उसके बाद करना, इसका मेन अकाउंट का कर देना क्लियर डेटा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना, मेन अकाउंट कर देना क्लियर डेटा। क्लियर डेटा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक APK मिलेगा। ठीक है, एक APK नहीं, 2 APK मिलेंगे, जिसका नाम है एक्सप्रेस VPN और प्लस होला फेक GPS। ठीक है, इन दोनों ओनली यही वर्जन करने है, कहीं आप अलग वर्जन करना, ये एक्सप्रेस VPN, ये मोड APK। ठीक है, और होला फेक GPS भी आपको टेचल मिल जाएगा। ठीक है, अब तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस VPN आपने ओपन कर लिया। जैसे कि आप एक्सप्रेस VPN को ओपन कर लोगे तो आपको ये लिखाएगा telegram@dasraj, उसके साइन है, तो telegram@dasraj पे क्लिक कर देना। उसके यहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी ईमेल एड्रेस डाल देना, इसमें कोई उल्टी सीधी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, वही वेरिफिकेशन मेल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसके @gmail.com, उसके telegram@dasraj पे क्लिक करो। उसके 5-10 सेकंड में आपका ये खुल जाएगा। उसके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस वाला आइकन पे क्लिक कर दो। क्रॉस वाला आइकन पे क्लिक करें, थोड़ी यहाँ पे वेट कर लो ऐसे की।
जैसे कि मैंने कोई भी रेंडम ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद आपके ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देना, उसके ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक कर यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप पहुँच जाओगे आप मोड एपी के, मतलब जो आपका एक्सप्रेस जीपीएन है उसके मोड एपी के पहुँच जाओगे। अब सुनना ध्यान से क्या करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट लोकेशन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एशिया पैसिफिक में बहुत सारे लोकेशन कंट्री मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बहुत सारी कंट्री मिल जाएंगी, और अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्री मिल जाएंगी, आप जैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूरोप में चेक कर सकते, मतलब कुल मिला के 100 कंट्री के अप्रोक्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आपको तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे कि आपको कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो एटमिक वॉलेट है, ये एक महीने पहले मतलब 20 तारीख को इन्होंने बैन कर दिया था, 20 जून को बैन कर दिया था इन्होंने इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए, नाइजीरिया के लिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वेनेजुएला, ठीक है। इन 5-6 कंट्री के लिए इन्होंने बैन कर दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा सुन लो, है ना। हमको तो इन 5-6 कंट्री को नहीं लगाना, ठीक है, हमको लगाना बाकी कंट्री को, ठीक है। सपोज करो आप लगा लो, देखो जैसे कि सपोज करो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे सिंगापुर को, ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर को लगा रहा हूँ, या कुछ भी लगा सकते हो आप, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे इंडोनेशिया बंदे, यहाँ पे मैं जैसे कि मैं कनाडा का लगा लेता हूँ, कनाडा में बहुत सारी हो जाएंगी, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो मैं जैसे कि मैं कनाडा को लगा रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, सपोज करो मैं कनाडा को लगा रहा हूँ, आप किसी और को लगाना, कहीं सारे ऐसे मत कर लेना कि एक ही को लगा दो, भाई बहुत सारी कंट्री है, 5-6 कंट्री तो बैन करिए, बाकी कंट्री ला सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैं कनाडा लगा रहा हूँ, आप यूएस ला देना, ब्राज़ील ला देना, भाई बहुत सारी, हांगकांग ला देना, भाई बहुत सारी कंट्री, कहीं आप ऐसा मत कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मेन चीज़ है, कहीं आप एक ही कंट्री को लगाने लग जाओ, कहीं कनाडा लगाना चाहिए, भाई कोई मतलब सब जाने, ये कहने का मतलब ये है कोई दूसरी कंट्री यूज करना है, बस जो 5-6 कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये कहने का मतलब। ऐसे कि मैंने कनाडा सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे आ जाओ, जैसे कनाडा सेलेक्ट हो गया, मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसका आ जाओ होला फेक जीपीएस में। होला फेक जीपीएस में आने के बाद यहाँ पे भी आपको क्या सेलेक्ट करना है आपको बताता हूँ, सर्च हेयर पे क्लिक करना है, सर्च हेयर पे क्लिक करना, देखो मेरा क्या सेलेक्ट है, कनाडा टोरंटो 2, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कनाडा टोरंटो 2, ठीक है, यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा आपके में, ठीक है। जैसे कि मेरे में आ गया, तो मैं आपको कोई भी ऊपर वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने यहाँ पे थोड़े से पहुँच जाएगा, पहुँचने पर सपोज करो ये इस वाले पॉइंट पे पहुँचा है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर कर लेना, ठीक है, मतलब उस वाले पॉइंट पर रखने नहीं देना, ठीक है, उसका यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, उसका गो पे क्लिक कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे कर सकते हो, मतलब उस वाले पॉइंट पे मत रखना, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा आगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना, गो पे क्लिक करना आप सक्सेसफुल हो जाएगी गो, मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल आपकी अप्लाई हो जाएगी लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसको कर दें लॉक कर दें, जिससे कहीं आपके कोई काट हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपके भाई ट्विट ट्रैक हो जाए आपका, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा मेन चीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक वॉलेट मेन अकाउंट का क्रिएट करवाया था ना, तो अब उसको ओपन करो। ओपन करने का सेम टू सेम प्रोसेस क्या करनी है मैंने आपको बता देता हूँ दोबारा भी आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, जैसे कि मैं एटॉमिक वॉलेट का ऐप ओपन करता हूँ, ओपन करने का आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मेन चीज़ है भाई वीडियो में ना, बस आपको फुल डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। उसका क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, उसे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे क्लिक करें, यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा, एक मिनट के अंदर 40 सेकंड या 50 सेकंड आपका लोड हो जाएगा, उसके बाद आपका एटॉमिक वॉलेट का एपीके ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ओपन होने देता हूँ, फिर मैं बता दूँगा क्या करना पड़ेगा आपको आगे। जैसे कि मेरे पास हो गई फ्रेज की, फ्रेज की आने वाले उसको करता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको बना लेना है नोट्स, ठीक है। कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैं बना रखा है एटॉमिक वॉलेट वीपीएन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे मेन अकाउंट बनाना, मेन अकाउंट की जो आपने बैकअप की सेव की होंगी इसको यहाँ पे कर देना पेस्ट, क्योंकि हमको लास्ट में उसको काम आनी है, उसके यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन तो लोकेशन हमने क्या सेलेक्ट की वो यहाँ पे लिख दो, जैसे कि मैंने करी कैनेडा टोरंटो 2, यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंडेटरी है जो मैं लिख रहा हूँ, बाद में काम आएंगी नेक्स्ट मंथ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको फिर आप बाद में प्रॉब्लम होगी, फिर आप बोलोगे मुझे प्रॉब्लम हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, मुझे नहीं मिले, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। और भी आगे आपको मेन चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लोकेशन लिख दी, लोकेशन लिखने वाला उसके आ जाओ दोबारा अपने एटॉमिक वॉलेट में, एटॉमिक वॉलेट में आने में यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एटॉमिक पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे बैकअप की सेव करने के बाद, उसके बाद आपको, ठीक है, आप करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग में क्लिक करना है, एयर ड्रॉप पे क्लिक करना है, एयर ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद देखो ईमेल एड्रेस में क्या, ईमेल एड्रेस डालनी, ईमेल एड्रेस भी ओनली होनी चाहिए जीमेल की, ना कि एसमेल प्रो, ना ही टेम्प मेल, यदि नहीं है, यदि खत्म हो गया यूज कर ली तो ही बना लो, ठीक है, बना लो, ईमेल एड्रेस ओनली जीमेल एड्रेस की ही चलेगी, ठीक है। और आपको मैं आपको
प्रूफ भी दूंगा लास्ट में मेरे AWC आए हैं जो मैंने ट्रिक अप्लाई करी। दोस्त जो मैंने आपको जून में बताई थी उसमें मैंने 18 अकाउंट बनाए थे, 18 अकाउंट में से 2 अकाउंट में ही आए, और जो मैंने ये ट्रिक अप्लाई कर दिखा रहा हूँ आपके सामने इसमें मैंने 2 अकाउंट बनाए और दोनों अकाउंट में मुझे 15 AWC मिला, और मुझे इंडियन अकाउंट में ओनली 5 AWC मिले, लेकिन जो मैंने ये भी ट्रिक अप्लाई कर दिखा रहा हूँ इसमें मुझे मिले 15 AWC। लास्ट में आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, उसका प्रोमो कोड डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने ईमेल आईडी डाल दी, और प्रोमो कोड में क्या डालना है प्रोमो कोड में आगे एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। प्रोमो कोड में एक प्रोमो कोड आपको ओनली एक ही बार डालना है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है, ठीक है। यदि आपके पास पहले से प्रोमो कोड नहीं है तो मेरा डिस्क्रिप्शन है ऐसे यूज करना, वैसे कोई रेफर के रुपये मिलते नहीं, बस मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रोमो कोड, यदि आपके पास कोई प्रोमो कोड नहीं है तो डाल देना, मेरा प्रोमो कोड यदि है तो डाल देना, ठीक है। ओनली एक प्रोमो कोड एक बार यूज करना है, आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सपोज कर आपने ईमेल आईडी डाल ली, उसका प्रोमो कोड डाल दो, साइन अप पे क्लिक कर दो, साइन अप पे क्लिक करना है, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है उस पर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ईमेल एड्रेस पे जाता हूँ, अपने ईमेल एड्रेस पे आने यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसका मुझे एटॉमिक वॉलेट की तरफ से एक मेल आया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखेगी भाई, आपको यदि आपको AWC जब ही मिलेंगे जब आपका बंदा या कोई आप $50 के AWC यहाँ पे होल्ड करोगे, लेकिन कोई ऐसे मेंटेन नहीं है, इनका बग हो सकता है, लेकिन भाई बहुत 4-5 महीने चल रहा है ये बग, ठीक है, सबको मिल रहा है बिना होल्ड करे, ठीक है। आप जैसे कि आपने वेरीफाई मी पे क्लिक करना, मतलब होल्ड करना, ठीक है, उसका कॉपी URL पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे क्लिक करें डायरेक्ट वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे कॉपी URL पे क्लिक करना, उसका बैक आ जाना, बैक करना बायर ऑप्शन जाना, बायर ऑप्शन जाने का यहाँ पे कर देना अपनी मेल को पेस्ट। जैसे कि मैं अपनी मेल को पेस्ट करता हूँ, मेल को पेस्ट करने का मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे क्लिक करना, थोड़ी देर मेरी मेल हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी, मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या करना, ठीक है। ये आपका हो गया मेन अकाउंट, ठीक है, ये मेन अकाउंट हो गया। अब इस मेन अकाउंट का रेफर कोड करो कॉपी, ठीक है। यहाँ पे इस मेन अकाउंट रेफर कोड यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से रेफर कोड कॉपी नहीं होता है तो मेल पे जाके कॉपी कर लो। जैसे कि मैं मेल पे आगे, मेल पे यहाँ पे मैं अपना रेफर इसको ये मेन अकाउंट का रेफर को लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ये मेल खुल रही है सारी खुल रही है इसको काट दो, उसका उससे पहले बायोरोजर कर दो क्लियर, क्योंकि हमारी ईमेल वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट, बायोरोजर क्लियर करने के बाद इसको भी काट दो, ठीक है। बायोरोजर काट दो, एटॉमिक बॉलेट का मेन अकाउंट काट दो, उसके ये नोट्स भी काट दो, उसके होला फेक GPS, होला फेक GPS इसको कर दो स्टॉप, स्टॉप करने का इसको भी काट दो, ठीक है। काटना कोई चक्कर नहीं है, काटो मत काट। उसके बाद जो VPN चल रहा है इसको कर दो डिस्कनेक्ट, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आप जैसे कि अपना मेन अकाउंट था ना, जो आपका मेन अकाउंट है उसके रेफर कर दो यहीं पे पेस्ट, जैसे मैं इस वाले मेन अकाउंट का रेफर कर देता हूँ यहीं पे पेस्ट। पेस्ट करने अब ध्यान सुनो, बायपास ट्रिक, बायपास ट्रिक आपको करनी है ओनली ऐप क्लोनर से, ठीक है, और बाकी से मत करना, डू मल्टी स्पेस से मत करना, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। और ऐप क्लोनर का ओनली यही वाला वर्जन बिल्कुल मोडिफिकेशन अपडेट वर्जन है, ठीक है। इसकी भी लिंक मिलेगी आपको ओनली हमारे टेन चैनल पर, ठीक है। इसको ओपन करना, ओपन करने में क्या क्या सेटिंग करनी है वो मैंडेटरी है बायपास करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। उसके पहले आपको आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग बताता हूँ। एटॉमिक वॉलेट पर क्लिक करना, एटॉमिक वॉलेट पर क्लिक करने के इस पर क्लिक करने आप एक क्लोन नंबर पे क्लिक करें, जैसे मेरे 10 क्लोन पहले से बन रहा है तो मैं 11 बार क्लोन बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। यदि आपको शुरुआत में बनाना है तो 1 से 10 बनाना है, नहीं तो 1 से 1 आप एक करके बना सकते हो, तो डायरेक्ट 10 भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 11 बार क्लोन बना लेता हूँ, और 11 बार क्लोन बनाने के बाद यहाँ पे तीनों में टिक करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, चेंज आइकन कलर भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान सुनो क्या करना है आपको, आइडेंटिटी एंड ट्रैकिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके जो पाँचों चीज़ है ना, पाँचों चीज़, ठीक है, ये चेंज एंड्रॉइड आईडी इसको भी कर देना ऑन, उसके बाद चेंज IMEI, ठीक है, एंड्रॉइड आईडी क्या चेंज करनी है देख लो, मेरी देख लो, मतलब स्क्रीन देख लो वीडियो में क्या बता रहा हूँ। रैंडम करनी है, प्लस जनरेट न्यू रैंडम आईडी ऑफ ईच क्लोनिंग प्रोसेस इसको करना है, उसके बाद चेंज IMEI में करना है, रैंडम करना है, उसके बाद जनरेटिंग न्यू रैंडम, उसके बाद IMSI में भी सेम करना है, उसके बाद गूगल एडवर्ड टैगिंग में रैंडम करना है, उसके बाद यहाँ पे GSF है इसमें करना है आपको रैंडम, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, चेंज वाईफाई मैक एड्रेस में रैंडम, उसके बाद वाई हाइड वाईफाई इनपो, उसके बाद आ जाना हाइड सिम ओपेट इनपो में इसको ऑन कर देना, उसके बाद रैंडमाइज बोल्ड प्रॉप्स, ठीक है, इसको ऑन कर देना, उसके बाद ये हमारी कंडीशन हो गई अप्लाई। यहाँ पे 8 करनी है, इसमें करनी है 8 आपको, और प्राइवेसी ऑप्शन में करनी है आपको 3। 3 कैसे करनी है आपको बताता हूँ, 3 आपको करनी है, एक तो करनी है डिसेबल कर देनी है आपको एक्सेसिबिलिटी एक्सेस, और डिसेबल परमिशन प्रोमोट्स, और आपको कर लेनी है यहाँ पे हाइड मॉक लोकेशन को ऑन, ठीक है, ये चेंज करनी है इसमें प्राइवेसी ऑप्शन। उसके बाद आप कर लेना इसको क्लोन बनाना, ठीक है, क्लोन बनाने यहाँ पे सेव अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैं इसका क्लोन बना लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको आगे।
जैसे कि मैंने जो क्रोम बनाया उसको मैंने कर लिया, मतलब इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इसको काट दो। कट करने के बाद अब आ जाओ दोबारा अपने इसमें आ जाओ एक्सप्रेस वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन में यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ कनाडा सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 अकाउंट बनाने हैं कनाडा से, 5 अकाउंट किसी और कंट्री से, 5 अकाउंट किसी और कंट्री से। ठीक है, और मैक्सिमम आपको ओनली बनाने 15-20, मैक्सिमम 15-20 क्यों बनाने हैं मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं कनाडा सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ कनाडा का सर्वर, फिर मैं आपको बताता हूँ करना पड़ेगा। ऐसे कि मेरा कनाडा का सर्वर कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने का दोबारा आ जाओ अपने फेक जीपीएस लोकेशन, फेक जीपीएस लोकेशन में आने में यहाँ पे सपोज करो आपने ये वाला सर्कल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मतलब ये वाली सेलेक्ट किया, कोई हाउस वाउस होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे करके, यहाँ पे आगे पीछे कर देना उसके, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना, गो पे क्लिक कर ये भी कनेक्ट हो गया हमारा फेक मोक जीपीएस लोकेशन भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब करना है आपको ओपन, उसके बिना ऐप को ओपन मत कर देना जो आपका बायपास अकाउंट हो, दोनों जो कंडीशन बताई है वो आपको करनी है। उसके बाद एटॉमिक वॉलेट 11 को ओपन करना, उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस को प्रोसेस करनी है, जैसे कि बता देता हूँ। सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है, उसके अपना पासवर्ड डाल देना, इसके मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने का आपके जो फ्रेज क्या जाएगी उसको भी कर देना आप सेव। ठीक है, ऐसे में उसको भी सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने क्लोनर वन में मेरे अपनी बैकअप की की ली थी, बैकअप की ली थी जो मेरे पास आई है क्लोनर वन में, ऐप क्लोनर में आई है। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी में जो आप ईमेल आईडी डालोगे उसमें डाल देना, और मेन अकाउंट की ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो आपने ईमेल आईडी यूज करी हो मेन अकाउंट में, एयर ड्रॉप पे क्लिक करें। ठीक है, मैं अभी बाद में लिख दूंगा किसी रे, मतलब बाद में लिख दूंगा। ठीक है, उसके यहाँ पे लोकेशन लिख देना। उसके बाद क्या पड़ेगा, जैसे कि मैं दोबारा चाहूँ मेन अकाउंट मतलब बायपास में जाता हूँ, उसका स्टार्ट यूजिंग एटॉमिक पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना, उसके बाद एयर ड्रॉप पे क्लिक करना, उसके बाद अब डाल देना दोबारा अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद प्रोमो कोड में क्या डालना है, मेन अकाउंट का प्रोमो कोड। लेकिन 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 आपको मेन अकाउंट का प्रोमो कोड ओनली एक बार डालना है। कैसे एक बार डालना है, सपोज करो आपका आपने ये वाली दोनों चीज वेरीफाई कर दी, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर ली, उसमें भी आपका प्रोमो कोड आ जाएगा। उसके बाद जो आप बनाओगे बाकी सेकंड क्लोन बनाओगे, थर्ड क्लोन बनाओगे, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने मेन अकाउंट बनाया, मेन अकाउंट का रेफर कोड आपने कर लिया इसमें यूज, तो आप इस अकाउंट का रेफर कोड यूज करना आप इस वाले अकाउंट में, फिर इस वाले अकाउंट का रेफर कोड यूज करना आप इस वाले अकाउंट में। ठीक है, मतलब एक अकाउंट में एक बार यूज करना, एक रेफर कोड एक बार यूज करना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया, मतलब एक रेफर को दूसरे में यूज करना, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, ऐसे करना है। ठीक है, और आपको मैं अब लास्ट में आपको प्रूफ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ सके। मैंने बनाए थे इसमें, बनाए थे मैंने आपको 8 अकाउंट इस वाले मोबाइल में, 8 अकाउंट बनाए थे, और इसमें से मेरे 2 अकाउंट में 8 अकाउंट बनाए थे इसमें से, और मेरे दूसरे मोबाइल में बनाए थे 10 अकाउंट। तो मेरे इस वाले मोबाइल में ओनली 2 AWC, मतलब 2 अकाउंट में AWC आए। ठीक है, मतलब 18 अकाउंट में से 2 बार AWC आए, 5-5। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट में 18-20 तारीख को, 18-20 जून को ट्रिक यूज करी जो मैंने आपको बताई, इसमें मैंने ट्रिक यूज करी तो दोनों में मेरे 15-15 AWC आ गए। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि आप प्रूफ दे सकते हो कि देखो मैंने देखो कितना अकाउंट बनाया, मैंने 9-10 बनाया था बीपीएस जो मैंने आपको ट्रिक बताई। देखो दोनों में आगे AWC। ठीक है, यहाँ पे 0 AWC दिखाता है लेकिन 15 AWC आपके में आते हैं। ठीक है, 3 तारीख को आए, 3 जुलाई को, आप टाइम भी दे सकते हो। उसके बाद मैं दोबारा अकाउंट दिखाता हूँ, ये भी मेरे आए 3 जुलाई को। ठीक है, आपको जैसे मैंने आपके स्क्रीनशॉट में दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सब चीज़ लाइव कर दिखाई, प्लस आपको प्रूफ भी दिखा दिया, क्योंकि बिना वेरीफाई कोई चीज़ देता नहीं। और दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने आपको 15-20 अकाउंट के लिए क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता है भाई कंप्लेन वाले कंप्लेन करेंगे, लेकिन हमने जो बताया आपको सोल्यूशन भाई रिपोर्ट करना है, प्लस IB में उनको मैसेज करना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन यार आप 15-20 अकाउंट क्यों रहना, ज़्यादा ज़्यादा आपके 15-20 अकाउंट में एक घंटे की मेहनत होगी जी, ज़्यादा। लेकिन आप क्यों मैं ज़्यादा अकाउंट बताना, क्योंकि भाई लास्ट में वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो कमेंट करेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं। इसलिए भाई मैक्सिमम 20 अकाउंट में रहना, यदि आप 20 अकाउंट से 5-10 अकाउंट मिल गए अमीर जैसी फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, बस इस में तभी लाइक कर दें, लाइक गेम रखता हूँ ओनली 1200 का ही, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक लूट है, बिग लूट है। ठीक है, बस इस में था, थैंक यू। अब जैसे कि आपने ये अकाउंट बना लिया, बहुत सारे APK बना लिए, तो आपको ये APK मतलब कब खोलना है टाइम, जैसे कि आपको पता है मैंने पहले भी अपडेट दिया था। ठीक है, जैसे कि आप दोबारा अपडेट दूंगा मैं 10 अगस्त में, जब आप ओपन कर लेना जिस VPN से आपने कनेक्ट करके आप अकाउंट बनाया था उस VPN से आप ओपन कर लेना। ठीक है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई अपडेट आएगा तो मैं अपने डिटेल बता दूंगा। और आपको हर बार, ठीक है, हर बार से कि आप कोई बायपास अकाउंट बनाओ तो डिस्कनेक्ट करके मराना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बनाने के बाद फिर डिस्कनेक्ट कर देना, फिर दोबारा अकाउंट कनेक्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस इसमें था, थैंक यू अगेन।